हेलो, वेलकम टू माय चैनल फैशन विद सौरभ के साथ। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम में ग्रोथ करते हैं, कैसे मैंने ग्रोथ किया है यहाँ पे, कैसे मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि इंस्टाग्राम में कैसे ग्रो करते हैं। और उसके साथ साथ हम सब कुछ जानेंगे फैशन के साथ साथ, मैंने कितने सारे कोलैबोरेशन किए हैं और कितने सारे ब्रांड्स को मैंने अप्रोच किया है, कैसे मैं ये बताऊंगा स्टेप टू स्टेप। आप बस इस वीडियो पर बने रहिए, आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। और इस वीडियो लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं एक बोनस टिप देने जा रहा हूँ, जहाँ पे ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और काम का साबित हो। उसके साथ साथ मैं आपको फैशन के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स भी दूंगा कि मैं कैसे फैशन में ऐसे फैशन ब्लॉगर कैसे बना, मैं फैशन ब्लॉगिंग क्यों चूज़ किया, मैं कैसे वो परस्यू कर रहा हूँ, मेरे क्या क्या प्रोसीड्योर्स थे, क्या क्या मैंने किया जिससे ये चैनल और भी आगे बढ़े और जैसे कि ये और ग्रो करे। तो मैंने जस्ट अपने फ्रेंड से जस्ट ऐसे ही पूछा कि भाई तुम ये फैशन रिलेटेड स्टफ़ क्यों कर रहे हो। तो उसने बताया कि उसे बहुत ही इच्छा थी कि वो ऐसा बने, कि ऐसा बहुत सारा है कि होता है ना, कि जैसे किसी को गाने का शौक़ हो, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक़ हो, तो वैसे ही मेरे फ्रेंड को फैशन रिलेटेड बहुत सारा स्टफ़ था। तो मैं उसको बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, ठीक है। तो मैंने एक दिन उसे पूछ लिया कि भाई तुम ऐसा तुम क्या कर रहे हो। तो उसने मुझे बताया कि वो फैशन ब्लॉगिंग कर रहा है। वो पहले मुझे कुछ खास नहीं लगा, फिर वो जैसे जैसे फैशन रिलेटेड पोस्ट डालता गया, मैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया हूँ। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक चैनल खोल देता हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है, ऐसे ही खोलने से होता नहीं है। आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए, आपको फैशन के रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज रहनी चाहिए, आपको फैशन रिलेटेड सब कुछ अपडेट रहना चाहिए कि अभी क्या ट्रेंडिंग है, नहीं ट्रेंडिंग है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको फैशन रिलेटेड स्टफ भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप किसी को जैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार जैसे आपसे कुछ उनको जस्ट कुछ वैल्यू मिले, ठीक है। तो उसी रिलेटेड मैं भी आपको सब कुछ सिखाऊंगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो मैंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे मैं फैशन ब्लॉगर होने में मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपको इधर लेफ्ट साइड में मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के फॉलोअर दिख रहे होंगे, मैं आपको पहले काउंट करके बताता हूँ, पहले मेरे पास कितने 2016 में मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोला था, तो तभी मेरे फॉलोअर्स थे समथिंग 200 to 300। सो आफ्टर गोइंग टू कॉलेज मेरे फॉलोअर बढ़े समथिंग 300 समथिंग, और लास्ट ईयर मेरे फॉलोअर थे 400 to 23। आपको यहाँ पे साइड पर दिख गया होगा, ठीक है। तो मैंने कैसे अपना इंटरेस्ट जगाया ये फैशन रिलेटेड, और मैं कैसे इतने फॉलोअर गेन किया, वो मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी आपको दिख रहे होंगे मेरे फॉलोअर अभी 486। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे ये किया, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो का लास्ट में। उससे पहले मैंने कितने सारे ब्रांड से कोलैबोरेशन किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं एक उसी फैशन LLB के साथ मैंने एक सॉरी ब्रांड्स ऑफ इंडिया डॉट के साथ मैंने एक कोलैबोरेशन किया है। तो उन्होंने मुझे एक सनग्लासेस भेजा है, मैं उसका रिव्यू करूँगा, मैं आपको वो दिखाऊँगा कि वो कैसा है, ठीक है। उसके साथ साथ हम और भी जानेंगे फैशन रिलेटेड स्टफ, जैसे ये डेनिम जैकेट और ये टी शर्ट, ये मैंने इंस्टाग्राम से एक ब्लॉगर के पोस्ट से ये लिया है, ठीक है। और तो सीधे चलते हैं हमारे कोलैबोरेशन के साथ, ठीक है।
तो मुझे ब्रांड्स ऑफ इंडिया से ये मटेरियल मिला है, ठीक है। और उन्होंने ये ब्रांड दिया है, उन्होंने ये दिया है ताकि मैं अपने फॉलोअर्स को डिस्काउंट प्राइस में दे सकूं और ताकि मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं सभी को कि यहाँ से शॉप करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने समथिंग 20-30% का ऑफ भी दिया है मेरे नीचे नीचे जितने सारे फॉलोअर हैं उनको, डिस्क्रिप्शन में या शायद वहाँ पे मैं इसका लिंक मिल जाएगा। टिल देन आप इसको देखिए, हम तब तक इसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए, वेलकम बैक गाइज। मैंने जिस ब्रांड के साथ मैंने कोलाब्रेशन किया है वो है बायोट ग्लासेस, आपको ये दिख रहा होगा, आपको इनका कांटेक्ट ये भी शायद आपको दिखेगा। मैं इनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे चेकआउट भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिव्यू करता हूँ कि कैसा है, कैसे इन्होंने ग्लासेस भेजे हैं, और फिर मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी इनसे ले सकते हैं। वैसे ही बहुत बढ़िया है, वैसे आप भी डेफिनेटली से यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसा आया है। तो पेपर बैग में मुझे मिला है कुछ टेस्ट वियर के साथ कुछ स्टिकर, बाइक का कुछ स्टिकर, और बैग में वैसे कुछ है नहीं, बाइक का ही है। और हाँ, वॉश उसका पोंछने वाला क्लॉथ, और ये रहा सनग्लासेस। तो मैं पहन के देखता हूँ, आप बताइएगा कैसा है, कैसा है वो भी। चलिए देखते हैं कैसा, आई होप फिट हो जाए मुझे, आपको भी दिख रहा होगा शायद, जच रहा है नहीं। वैसे इसका फ्रेम बहुत बढ़िया है, मैं जब इसको हाथ में पकड़ रहा हूँ इसका फ्रेम मुझे बहुत टच हो रहा है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही लाइट वेट है इसके साथ। सो बाई ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे सेंड किया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इनसे लीजिए, ये बहुत ही अच्छे हैं। और चलिए बाकी इसका शूटिंग हम लोग बाहर जाके करते हैं, और ये कैसा दिखता है बाहर में, आउटसाइड आउटसाइड में उसका व्यू आपको दिखाएंगे। चलिए तब तक आप ये इस वीडियो को देखिए, और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, चलो टाटा।